गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पिछले मैथ्स के वीडियो में देखे थे मीटर एंड सेंटीमीटर के बारे में कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। एम जो है एम से मीटर को डिनोटेड किया जाता है एंड सेंटीमीटर को सीएम से डिनोटेड करते हैं। ऐसा आज हम साइंस के वीडियो में भी बताए हैं। साइंस का भी चैप्टर 11 जो है वो आपका मेजरमेंट ही है। और मीटर एंड सेंटीमीटर के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में किलोमीटर एंड मीटर की। तो इसमें कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इंटू मीटर, इसमें जो हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर एंड नहीं किलोमीटर एंड नहीं किलोमीटर इंटू मीटर। हम लोग जानते हैं कि पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर को हम लोग केएम से डिनोटेट करते हैं एंड मीटर को तो जैसे बताए थे एम से डिनोटेट करते हैं। तो यहां हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर। जब भी हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके एंड इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है कि 9 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 9 को क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मीटर हो जाएगा, तो 9000 मीटर हो जाएगा ये। ओके इसी तरीके से अगर आपका एक क्वेश्चन और रहेगा कि किलोमीटर एंड मीटर दोनों साथ में दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, किलोमीटर और मीटर अगर साथ में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन रहेगा एग्जांपल में ही, अगर ये रहेगा कि मान लीजिए 18 किलोमीटर, हम अपने मन से क्वेश्चन लिख रहे हैं 18 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर ए था और बी नंबर हम दे रहे हैं, और 234 मीटर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो इसमें देखिए ये तो मीटर में ऑलरेडी है ही, पहले से ही है मीटर में, तो इसको उसको कुछ नहीं करना है। हमको करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 18 किलोमीटर, ऐसे आप लोग लिखिएगा, प्लस 234 मीटर। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 18 किलोमीटर को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये मीटर हो जाएगा, प्लस 234 मीटर। ये 34 है, 234, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मैथ में हम ही बता चुके हैं पहले भी कि जब भी हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 8 बन जाए 8 और 0 तो 0, यानी कि 1000 देखकर क्या आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा आप माइंड लगा सकते हैं इसमें। जैसे 8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 8 1 8 और इस पे डबल जीरो लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से 8 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, 8 1 8 8000, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 1 क्या होगा 18 18 लिखेंगे और उस पे ट्रिपल जीरो लगा दीजिएगा, ये क्या हो गया मीटर, प्लस 234 मीटर। इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने के लिए आप लोग सही से इसको जैसे 18000 है तो 18000 यहाँ पे लिखना है और 234 को तो 4 इधर 3 यहाँ 2 यहाँ, तो ये क्या आपका 1 8 2 3 4, ऐड आप लोगों को सही तरीके से करना है ताकि आप लोगों का आंसर जो है सही आए, 8 2 3 4 मीटर। अगर हम 18 किलोमीटर और 234 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 18 किलोमीटर को पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18000 मीटर और प्लस 234 मीटर, ये हो जाएगा 18234 मीटर होगा। अब हम लोग कन्वर्सन करेंगे क्या किलोमीटर से मीटर की, अब हम लोग सीखेंगे कि मीटर से किलोमीटर में कैसे जाएंगे, जैसे कि मीटर से सेंटीमीटर में गए थे ठीक उस तरीके से सेंटीमीटर से मीटर में कैसे आएंगे तो आगे देखते हैं। अब आगे है मीटर इंटू किलोमीटर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ए एग्जांपल से हम बताते हैं, इसमें 5000 मीटर, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा आपका,
तो 5000 को जैसे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। ठीक उस तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर बी देखा जाए तो इसमें है 9425 किलोमीटर दिया हुआ, इसमें तो सिंपल ये मीटर दिया हुआ, इसको क्या करना है किलोमीटर, मीटर दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसको किलोमीटर और मीटर लिखना है, दोनों ही लिखना है हमको। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट को हम अलग कर देंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे 9000 मीटर प्लस 425 मीटर। आपके बुक में तो डायरेक्ट कर दिया गया है लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा ऐसे कीजिएगा अच्छा रहेगा। वैसे बताए थे कि सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेंटीमीटर होता है, और जैसे किलोमीटर की बात करें 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा आपका मीटर होगा। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट जो होगा, जब भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप लोग अगर ऐसा बनाइएगा उसके बाद आप लोग खुद से आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 425 मीटर होगा और 9 किलोमीटर। लेकिन कॉपी में कीजिएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, 9000 मीटर लिखिएगा प्लस इतना, फिर 9000 को क्या करना है 1000 जैसे डिवाइड देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर प्लस 425 मीटर, ये क्या होगा 9 किलोमीटर प्लस 425 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर और 425 मीटर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो हमेशा मीटर होता है और बाकी जितना इधर रहेगा वो क्या होगा आपका किलोमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 29 कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 29000 हो जाएगा, यहाँ पे 29 करेंगे यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ 29 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 29 किलोमीटर। अगर इसके आगे और जितना भी डिजिट रहेगा हम उतना ही इसमें लिख देंगे। ओके थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो बताइएगा, चैप्टर 9A पूरा कॉपी में करके रखिएगा। ओके थैंक यू।